उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में बदमाशों ने 4 लोगों को बंधक बना 7 लाख रुपए के लूट की घटना को अंजाम दिया। जनपद में महज 48 घंटे के भीतर डकैती के डबल वारदात ने सनसनी फैला दी है। दरअसल फैजगंज बहेटा थाना क्षेत्र के कस्बा औरछी में मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग पर चंदौसी के व्यापारी ललित किशोर का ब्रज किशोर विजय किशोर नाम से कोल्ड स्टोर है। शनिवार रात चौकीदार जय सिंह, ऑपरेटर पप्पू, छुट्टन और उमेश कोल्ड स्टोर में ही सो रहे थे। करीबन 2:30 बजे बदमाशों ने कोल्ड स्टोर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने चारों को बंधक बना लिया। चौकीदार जय सिंह और छुट्टन जब इसका विरोध करने लगे तो उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद बदमाशों ने काउंटर और अलमारी से 7 लाख रुपए की नकदी लूट कर वहां से फरार हो गए। लूटपाट के बाद सूचना पर फैजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह SSP संकल्प शर्मा ने मौके का मुआयना किया। इससे पहले गुरुवार रात उजानी क्षेत्र के गांव जजपुरा में एक गल्ले के गोदाम से बदमाशों ने एक चौकीदार के घर को निशाना बनाया था। महज 48 घंटे के भीतर डकैती की डबल वारदात ने न केवल सनसनी फैला दी है बल्कि पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। वहीं SSP ने जल्द ही घटना के खुलासे का दावा किया है। ये फैजगंज बहेटा थाना क्षेत्र में उर्ची के निकट एक कोल्ड स्टोरेज में बीती रात को मारपीट और लूट की घटना हुई है। इसमें लगभग 7 लाख रुपए कैश जाना बताया गया है। इसमें रिलेवेंट सेक्शंस में FIR कायम हो गई है और पुलिस के पास डेफिनेट लीड्स हैं। जल्दी ही इस घटना को सॉल्व कर लिया जाएगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।